पिछले 2-3 हफ्ते मैं बहुत लो फील कर रही थी, मेरी एनर्जी जीरो हो गई थी, इसीलिए अपडेट्स भी मैंने ढंग से नहीं किए और रॉबिन को मेरी जगह अपडेट्स करने पड़ गए थे। वीडियोस में भी मेरी एनर्जी बहुत लो विजिबली दिख रही थी। जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मेरे जो D3 लेवल है वो कम हो गया है, तो अब मैं उसके लिए मेडिसिन ले रही हूँ। मेरा ये बताने का मकसद ये था कि चाहे आप वेजिटेरियन हैं या आप वीगन हैं, टाइम टू टाइम अपने टेस्ट हमें करा ही लेनी चाहिए, पता नहीं होता कब क्या कमी पड़ जाए। बट अब मुझे अच्छा फील हो रहा है और इसलिए मैं हाजिर हूँ अपडेट्स लेके। निखिल जी ने 3 महीने पहले हमें सनोरा से फ़ोन किया था, एक डॉग को से अबैंडन किसी ने कर दिया था। ये डॉग बहुत बूढ़ी है, आते ही इसको हमने पहले तो सुखाया है, फिर हॉट वाटर बैग दे, इसको फीवर भी है, बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी। बहुत बड़ा मैगेट वुंड इसकी पूंछ पे है, दूसरा एक बहुत बड़ा मैगेट वुंड इसके पैर पे। एक तो ये डॉग लोग छोड़ देते हैं तो खरीदते क्यों है? इसका बेचारे का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते हैं, सारे में जख्म हो गए हैं 3-4 महीने से, ये लोग कह रहे हैं कि छोड़ी हुई है, बूढ़ी हो गई है, छोड़ दिए, तो ऐसे में तो ये लोग अपनी मां को भी छोड़ देंगे। बार नवाब आज रिलीज हो रहा है। हम लास्ट टाइम भी 2 हफ्ते पहले इसको रिलीज करने वाले थे और जैसे ही हमने गाड़ी लगाई हमने देखा कि इसके पेट के साइड में ऐसे स्क्रैचेस है 2, जो कि शायद किसी और बैल के सींग के से लगा होगा इसे। तब हमने इसको फिर वापस शिफ्ट कर दिया अंदर और अब ये जब वापस हील हुआ है तो हम इसे फिर से छोड़ने जा रहे हैं। फार्म पे हमारे पास मेंबर्स हमारे जुड़ते ही जा रहे हैं, इसलिए किचन वाली जो जगह है वो छोटी पड़ रही है लंच और डिनर्स के लिए, इसलिए फूड फॉरेस्ट में ये हमारा एक ब्यूटीफुल सा डाइनिंग एरिया बन गया है। पिछले अपडेट में आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत समय से बेटी जी को नहीं देखा है, तो ये लीजिए, जी भर के देख लीजिए इस बेगैरत को। आजकल ये अपडेट्स में इसलिए ज़्यादा नहीं दिख रही क्योंकि मैडम बहुत बिजी है रील्स बनाने में, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती रहती है, बॉलीवुड गाने चलाती है और उस पे अपलोड करती है। कान्हा हाय बेबी, ये क्या कर रहा है? देखो नटखट बालक डॉक्टर गुलशन के लेसेस खींच रहा है। यहाँ पे है हमारे चाचू जी, पीछे चंद्रकांत जी, इन्होंने आज सबने शूज पहने। इन तीनों को हमने फार्म के बाहर एक लैंड पे शिफ्ट किया था ताकि वो वहाँ पे कर भी सके और रह भी सके। हमने इनको वापस आज ही यहाँ पे शिफ्ट किया क्योंकि हम देख रहे थे कि वो खेत में जो लैंड है वो बारिश की वजह से हर वक्त गीला रहता है और इनके पैर में उस वजह से घाव हो रहे थे। चंद्रकांत के पीछे के दोनों पैर में छोटे छोटे घाव हैं और चाचू के भी पैर में है और चरणदास को भी चलने में काफी वहाँ दिक्कत होती थी। कल शाम को अमेजोन से हमें एक पार्सल आया था इस पपी का, मैं मजाक कर रही हूँ। नदौन से विवेक जी ने इस पपी के बारे में हमें बताया, फिर हमारी टीम इसको रेस्क्यू करके लाई है। ये अपनी जो पीछे की टांगे हैं वो ढंग से रख नहीं पा रही है, हील फ्रैक्चर है इसका, लेकिन दिक्कत ये कि ये ढंग से चल नहीं पा रही है जिस वजह से रगड़ लग रही है इसके पैरों में। डॉक्टर गुलशन इसका मसाज कर रहे हैं ताकि जो नर्व डैमेज है इसके सेंसेस थोड़े और वापस आए। और इस बच्ची की जो लेग्स की मसाज हो रही है वो एक बहुत ही स्पेशल तेल से इसकी मसाज हो रही है, इसका नाम है लुकमाने हयात। जब हम इसे मसाज करते हैं ना तो मसल्स को वार्म रखने में और नर्व्स को रीजनरेट करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तंत्री दमंत्री, शिकारी शंभू और सुपंडी, ये लोग तीनों हमारे यहाँ अडॉप्टेबल्स की गैंग का हिस्सा बन गए और अभी इनकी इंट्रोडक्शन हो रही है पटोला के साथ। जब इनको रेस्क्यू करके लाया गया था तब हमारे फार्म पे जगह नहीं थी तो इसलिए ये लोग पीछे कंस्ट्रक्शन की साइट पे रह रहे थे, लेकिन अब ये बच्चे आज अंदर आ गए हैं, अब ये सभी के साथ दोस्ती कर रहे हैं। काफ़ी पहले एक अपडेट में बताया था कि मैं कोशिश कर रही थी अपनी आवाज़ को नीचे रख के बात करना और थोड़ा कम ड्रामेटिक होना, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे कि मैं बहुत ड्रामेटिक हूँ, बहुत नाटक करती हूँ, बहुत नौटंकी हूँ। मैं एक्चुअली जनरली भी ऐसी नौटंकी हूँ यार, क्या करें। एक छोटू सा बहुत ही क्यूट रेस्क्यू हमारे पास आया है पालमपुर से। उन्होंने इसको स्ट्रीट से रेस्क्यू किया था 4 दिन पहले, पूंछ कटी हुई है ना, ये रखना चाह रहे थे लेकिन इनके घर के जो डॉग्स हैं वो इसके साथ एडजस्ट नहीं हो रहे थे। इसको अभी फॉस्टर करवाने देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है और इसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी क्लिनिक में रहने से भी हो जाएगा सेपरेटली। गिनी हमारे पास एक पपी था, मैं उसको फॉस्टर करी थी और उसके बाद वो हमारे यहाँ पे क्लिनिक में शिफ्ट हो गया था। गिनी को जो लेकर आई थी उसे यहाँ पे उन्होंने बकायदा ट्रीटमेंट कम्प्लीट होने के बाद आई भी और उसको वापस लेके गई, कल गिनी गई और ये हमारे पास आ जाई हैं। फॉस्टरिंग हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है और गिनी को अभी भी अडॉप्शन में हम रखेंगे और सेम इसके लिए भी हम कोशिश करेंगे ये जल्दी से अडॉप्ट हो जाए। डॉक्टर गुलशन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है हॉर्सेस के बारे में, उनकी उम्र से रिलेटेड, कि हमें कैसे पता चल सकता है कि किसी हॉर्स की एज क्या है। इनके टीथ में एक गैल्विन ग्रूव होता है बीच में, अप्रोक्सीमेट एज इससे लग जाती है पता। ये जो लाइन देख आप देख रहे हैं ना बीच में, ये गैल्विन ग्रूव है। जब ये 10 साल के होते हैं तो गैल्विन ग्रूव बनना शुरू हो जाता है, 15 ईयर्स पे
ये गैल्विन ग्रुप मिड ऑफ द टीथ तक आ जाता है। 25 ईयर्स के बाद ये फिर से इसका साइज छोटा होने लग जाता है। 30 ईयर्स के अप्रॉक्स से ये जो ग्रूव है बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है। हमारे जो सबसे बुजुर्ग भाई साहब है वो है चंद्रकांत भाई साहब, जिनकी उम्र है 25 अबव है, 15 से 20 साल की उम्र के है चार्ली भी और चाचू भाई साहब भी। और जो हमारे यंगेस्ट हॉर्स चरण दास की उम्र है 10 से 15 साल। गगल एयरपोर्ट से हमने एक बैल को रेस्क्यू किया था जिसका नाम हमने जिगर रखा था। उसे सींग पे एक मैगेट वुंड था, उसकी जो हिप बोन थी वो फ्रैक्चर्ड थी। उसका इलाज तो यहाँ पे चल रहा था लेकिन वो अनीमिक भी था, जिस वजह से वो कुछ दिन से वो बैठ गया था, वीक फील कर रहा था। टिक्स की वजह से एनीमिया हो जाता है और उसके लिए हमने उसका एंटीबायोटिक सप्लीमेंट्स पे रखा था ताकि उसका ब्लड बन जाए। वो धीरे धीरे बन रहा था जिसकी वजह से उसकी बॉडी कोप अप नहीं कर पा रही थी ज़्यादा और वो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा था। तो हमने इसको होस्ट पे भी खड़ा किया ताकि वो अपने पैर पे वेट ले ले और हमने इसको बाहर भी निकाला, सनलाइट में भी रखा ताकि उसको थोड़ी एनर्जी भी मिले, पर तो भी वो कोप अप नहीं कर पाई उसकी बॉडी, जिसकी वजह से उसकी अल्टीमेटली डेथ हो गई। एक नई रेस्क्यू हमारे पास पालमपुर से आई है। ये बच्ची, इसकी जो ये पिछली एक टांग है उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। बालकेश्वर जी ने इसके बारे में हमें बताया था फोन करके पालमपुर से। उन्होंने बकायदा इसका प्लास्टर करवाया और इसकी ट्रीटमेंट कुछ दिन मैनेज की। उन्होंने एक और रेस्क्यू किया था का, तो उसका ट्रीटमेंट करते करते इसके लिए उनके पास जगह नहीं हो रही थी, इसलिए हम जब पालमपुर गए थे अपने डॉग्स के विजिट करवाने के लिए तब हम इसको यहाँ पर लेकर आए। इसका अपर थाई में फ्रैक्चर है जो कि अराउंड 40 डेज के बाद इसका प्लास्टर खुलेगा, तब हमें पता चलेगा कि कितनी रिकवरी हुई है। चाय आ गई। ये हमारी है वीगन चाय, ये ब्लैक टी बेसिकली है। चाय में जो सब डालना चाहिए वो सब डालते हैं, बस दूध नहीं डालते जिसकी ज़रूरत है भी नहीं, है ना सर? और ये भी उससे ज़्यादा अच्छा स्वाद करती है जितनी आपकी नॉर्मल चाय होती है। इसका नाम कबूतर है। इसका बेचारे का एक्सीडेंट हुआ था, इसकी जो पीछे की लेफ्ट टांग है वो फ्रैक्चर्ड थी, इसकी पिनिंग सर्जरी की गई, आज इसके स्विचर्स खुल रहे हैं। एक्सरे करवाना है हमने इसका ताकि पता चल जाए कि बोन कितनी जुड़ी है, जो पिन डली हुई है अंदर, तब पिन रिमूव हो जाएगी। मैं हूँ हमारे आउट पेशेंट एरिया में। इसे हम आउट पेशेंट एरिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने पेट्स को भी यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए लाते हैं। मेरे साथ अभी सनी जी हैं और अनुराग जी हैं, ये दोनों गगल से आए हैं और इनके साथ दो अबैंडन्ड ब्रीड डॉग्स आए हैं। ये दोनों डॉग्स सनी जी और अनुराग जी को बाहर मिले थे। इन दोनों को टिक फीवर है, इन दोनों के पूरे शरीर पे टिक्स हैं, हम टिक्स निकाल रहे हैं तो लगातार ब्लड निकल रहा है और उसके बाद उनको पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन है, पीछे यूरिन वाले हिस्से से भी ब्लड आ रहा है, पॉटी वाले हिस्से से भी ब्लड आ रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि आप नहीं संभाल पा रहे हो, लेकिन आप कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो ले सकते हैं कि आप उस बच्चे को किसी और के रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़े, शेल्टर्स है वहाँ पर बात करें। अडॉप्शन भी तो इसका एक सोल्यूशन है ना कि आप अडॉप्ट करवा सकते हो, लेकिन बस ले जाकर रोड पर छोड़ देना कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप संजू बाबा को जानते हैं, कुछ समय से इनका जो पैर है, इनका ये फ्रंट वाला जो हूफ है उसमें एक वुंड हो गया था। वो इसके एज की वजह से इसके पूरे खुर हैं वो फटते जा रहे हैं। पीछे का औषध जो हम लेकर जाते हैं इसको, वो भी हमने बंद कर दिया है ताकि इसको ज़्यादा चलना ना पड़े और ये अभी यहीं इनसाइड का औषध में रहता है। घाव तो इसका भर रहा है लेकिन इसके लिए अब हम कुछ और इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि हम इसके चारों पैर में शू पहनाएंगे, होपफुली उससे थोड़ा इसको रिलैक्स्ड और पेन फ्री रहे ये। अमन जी जो है ये बेटी जी के बहुत खास है। आप जितनी भी रील्स देखते हैं बेटी जी की इंस्टाग्राम पे, जो भी ये कारनामे करती है, उसके पीछे अमन जी का हाथ है, अमन जी की क्रिएटिविटी है। तो बेसिकली ये दोनों मिलके बाकी सारे जानवरों को यहाँ बिगाड़ रहे हैं। अपडेट की शुरुआत में मैं आपसे हाई लो एनर्जी के बारे में बात कर रही थी कि कैसे कई बार हमारा मूड बहुत ही अच्छा होता है, हम सुपर हाई फील करते हैं, और कई बार हम लोग इतने लो फील करते हैं कि नहीं यार आज तो घर से बाहर निकला भी नहीं जाएगा। ये तो चलिए लाइफ में होता रहता है, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। लेकिन लो एनर्जी होने के बावजूद भी जो एक चीज़ कॉन्स्टेंट रहती है और जो आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन जाती है वो होती है एक कम्युनिटी जो इस तरह का अच्छा काम कर रही है, जैसे कि हमारी पीपल फार्म की कम्युनिटी है और हमारे जो ये सदस्य हैं, जैसे साहिल भैया को जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ, मैं रॉबिन से बात करती हूँ मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ, मैं खुशबू जैसी, संध्या जैसी, ज्योति जैसी गर्ल्स को मिलती हूँ तो मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ। ऐसे सदस्य जब हमारी कम्युनिटी का हिस्सा होते हैं तो चाहे आपकी एनर्जी थोड़ी सी लो भी क्यों ना हो, आप हमेशा सपोर्टेड फील करते हैं।